सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्वा स्टेशन। सो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू ब्रीड सिल्वर डॉलर फिश इन योर होम एक्वेरियम। सो जो पहला स्टेप है वो है सेपरेट मेल एंड फीमेल फिश। पहले तो आपको मेल और फीमेल फिश को सेपरेट करना होगा। मेल फिश में अक्सर एक ब्लैक स्पॉट होता है जो कि फीमेल फिश में नहीं होती है। इसके अलावा मेल फिश का फिन भी फीमेल फिश के तुलना में थोड़ा सा लंबी होती है, इस तरह से आप उन्हें अलग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो कंडीशन द फिश। ब्रीडिंग के लिए फिश को कंडीशन में होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको उन्हें प्रॉपर डाइट और केयर देनी होगी। इसके लिए आप उन्हें हाई क्वालिटी फिश फूड और लाइव फूड जैसे कि डफनिया, ब्राइन श्रिम, ट्यूबफ्लेक्स वर्म और ब्लड वर्म भी दे सकते हैं। जो थर्ड स्टेप है वो क्रिएट अ ब्रीडिंग एनवायरनमेंट। आपको एक ब्रीडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए एक ब्रीडिंग टैंक सेटअप करें जिसमें सही टेम्परेचर और पीएच लेवल को मेंटेन करें। डलर फिश के ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर ऑफ 77 डिग्री टू 82 डिग्री फ़ारेनहाइट और पीएच 7 टू 7.5 के बीच में होना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंट्रोड्यूस द फिश। आप मेल और फीमेल फिश को ब्रीडिंग टैंक में रिलीज करें। आप देख सकते हैं कि जो मेल फिश है वो फीमेल फिश के आसपास घूमेगा और काउंटरशिप बिहेवियर एग्जिबिट करेगा। इसमें मेल फिश अपने फिश को एक्सपेंड करेगा और फीमेल फिश के पास स्विम करेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऑब्जर्व द ब्रीडिंग बिहेवियर। सो अब आपको फिश के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। जब मेल फिश रेडी हो जाएगा तो उसके जेनिटल से वाइट स्पॉट दिखाई देगा, जिसके मतलब है कि वो रेडी है और ब्रीडिंग के लिए प्रिपेयर्ड है। मेल फिश फीमेल फिश के आसपास सर्कल करेगा और उन्हें एक रिलीज करने के लिए इनकरेज करेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है सेपरेट द पेरेंट्स। जब फिश ब्रीडिंग हो जाएगा तो आप अपने पेरेंट्स को अलग कर देना होगा। इसके अलावा अगर आपके चाहते हैं कि एक सर्वाइव करे तो आप उन्हें अलग टैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप दिखाई दे कुछ एक वाइट कलर का हो जा रहा है तो उनको आप उस टैंक से सेपरेट करना होगा। जो नेक्स्ट है वो हैचिंग द एग। अब फिश को हैच करने के लिए आपको 2 से 3 दिन वेट करना होगा, जिसके बाद फ्राई इमर्ज होने लगेगा। फ्राई के लिए आपको फिर से एक सेपरेट टैंक सेटअप करना होगा। सो डॉलर फिश का ब्रीडिंग काफ़ी ईजी है और अगर आप इन सारी स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं इन फिश को ब्रीड करवाने में। सो आज के लिए वीडियो इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।